फाइनेंशियल बिल इनकी 5,51,00,000 रुपए दर्शाई गई है। जिला सिरमौर की 4 टोल यूनिटों की नीलामी प्रक्रिया नाहन की SFDA हॉल में वीरवार देर शाम संपन्न हुई। DC सुमित खिमटा की देखरेख में संपन्न टोल यूनिटों की नीलामी प्रक्रिया में सरकार को पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 23% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। ADC सिरमौर LR वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला सिरमौर के 4 टोल इकाइयों की नीलामी 29,45,00,000 रुपए में हुई है। पिछले साल की तुलना में ये बोली लगभग 23% अधिक रही। उन्होंने बताया कि कालाम्ब व मीनस यूनिट जगजीत सिंह को गई, जबकि विनोद मलिक को बहराल तथा स्काईलार्क इंफ्रास्ट्रक्चर ने गोविंद घाट यूनिट पर कब्जा जमाया। उन्होंने बताया कि चारों यूनिट का आरक्षित मूल्य 26,14,42,611 रुपए निर्धारित किया गया था। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सरकार को 23% अधिक टोल यूनिटों की नीलामी प्रक्रिया में राजस्व प्राप्त हुआ है। आज सिरमौर जिला के लाभकारी के टोल बैरियर हैं, उनकी ऑक्शन की प्रोसेस चली और उस प्रोसेस के अनुसार बोलीदाताओं ने, जो हमारे क्वालिफाइड बोलीदाता थे, उन्होंने बोलियां दिए हैं। इसमें हमारे चारों बैरियर की जो स्थिति है, पिछले बेस प्राइस रखा था वो करीब 26,14,00,000 रुपये रिजर्व प्राइस रखा था, और हमें जो इस बार जमुन से बोली मिली है वो 29,45,53,000 रुपये के करीब हमें बोली मिली है, जो कि पिछले की अपेक्षा लगभग 23% अधिक है। पंजाब के स्थिति टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।